नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाक में मांस भर जाने की परेशानी के बारे में। इस नाक के मांस को डॉक्टरी भाषा में नेजल पॉलिप भी कहते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे नेजल पॉलिप क्या होता है। दोस्तों, हमारे नाक की अंदर की सतह पर सेल्स की एक परत होती है। कुछ कारणों से इस सेल्स की परत पर सूजन आ जाती है और धीरे धीरे सूजन के कारण यह सेल की जो परत है इतनी फूल जाती है कि यह अंगूर की शेप ले लेती है। धीरे धीरे यह सूजन एक गांठ की तरह दिखने लगती है और इसी को हम नाक के मांस का भरना या नेजल पॉलिप भी कहते हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह है, यह जो नाक के मांस की गांठ है नॉन कैंसरस होती है, मतलब इस नाक के मांस की गांठ में कभी भी कैंसर नहीं पनपता है और इसका इलाज बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जो कि मैं आपको आसान भाषा में इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, ये नाक के मांस की जो परेशानी है पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है। कुछ लोगों में ये एक नथुनों में मिलती है और कुछ लोगों में यह दोनों नथुनों में भी मिल सकती है। दोस्तों, धीरे धीरे इस नाक के मांस का आकार और साइज बढ़ने लगता है और ये नाक के अंदर जो खाली जगह है उसे ब्लॉक करने लगती है, जिसके कारण मरीज को सिम्टम या लक्षण आने लगते हैं। दोस्तों, अब ये सवाल है कि नाक का मांस या नेजल पॉलिप क्यों होते हैं और ऐसा क्यों अक्सर देखा जाता है कि यह कुछ लोगों में होते हैं और कुछ लोगों में नहीं होते हैं। दोस्तों, असल बात यह है कि नाक का मांस या नेजल पॉलिप क्यों होता है, उसका असल कारण क्या है, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। इसका असली कारण पता करने के लिए अभी भी रिसर्चेस और खोज जारी है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नाक के मांस का कारण यह है कि नाक में जो सूजन होती है उसके कारण नाक के अंदर बहुत सारा फ्लूड का प्रोडक्शन होता है। यह जो फ्लूड है सेल्स के बीच में इकट्ठा हो जाता है। इस फ्लूड के इकट्ठा होने के कारण सेल्स भारी हो जाते हैं। इन भारी सेल्स को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचने लगती है और धीरे धीरे ये अंगूर की शेप ले लेते हैं और अंगूर की शेप लेने के बाद ये नाक को ब्लॉक करने लगते हैं। दोस्तों, हालांकि कुछ कंडीशंस ऐसी देखी गई हैं जो कि अगर किसी व्यक्ति के साथ हो तो उस व्यक्ति में इस नाक के मांस या नेजल पॉलिप होने की संभावना दूसरे लोगों के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को एस्पिरिन से एलर्जी हो, अस्थमा हो, फंगाई से एलर्जी हो, या फिर उसे हे फीवर हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, या चग स्ट्रॉस सिंड्रोम हो, ऐसे लोगों में नाक के मांस होने की संभावना दूसरे लोगों के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसी और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।